फंक्शन विदाउट आर्गुमेंट विदाउट रिटर्न वैल्यू देख लिया, अब फंक्शन विथ आर्गुमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू देखेंगे। देखो विदाउट आर्गुमेंट में हमने क्या लिखा, कुछ भी नहीं अंदर और यहाँ वॉइड है, और विथ आर्गुमेंट में हमारे दो आर्गुमेंट है तो दो आर्गुमेंट दिए और कुछ रिटर्न नहीं है तो इंटीजर है, वॉइड है। अब हम कर रहे हैं फंक्शन विथ रिटर्न वैल्यू, तो जैसे एडिशन का किया, मैं एक काम करता हूँ अभी यहाँ पे करता हूँ मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन यानी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट होता है ना। अब दो ये क्या हुआ, फंक्शन का नाम है या आर्ग्यूमेंट है, इसमें रिटर्न वैल्यू कुछ नहीं, तो ये फंक्शन क्या होता है, जब हम फंक्शन विथ आर्ग्यूमेंट एंड विथ रिटर्न वैल्यू करते हैं, ओके तो इनपुट किस में होगा, यहाँ आर्ग्यूमेंट का मतलब इनपुट मेन में, ठीक है। प्रोसेस हमेशा फंक्शन में रहेगा, याद रखना, प्रोसेस हमेशा फंक्शन बॉडी में ही रहेगा, ओके। अब रिटर्न वैल्यू का मतलब ये है कि आउटपुट जो है आप फंक्शन में भी कर सकते हो और मेन में भी कर सकते हो, दोनों, यानी ये मेमोरी रिटर्न करेगी, राइट। अब कैसे देखना ध्यान से, अब ये रिटर्न करेगा तो अब इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एडिशन को, सबसे पहले नाम बदलेंगे, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट कर दिया, अब ये नाम बदल दे, प्रोडक्ट नाम दिया ना, होगा तो वही ए इंटू बी, है ना, प्रोडक्ट ऑफ परसेंटेज डी एंड परसेंटेज परसेंटेज डी, है ना। लेकिन ये प्रिंट नहीं कराना है मुझे, भले प्रिंट, ये मुझे प्रिंट कहाँ कराना है, मेन में कराना है, तो मैं मेन में क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ प्रिंट ऐसा नहीं कि नहीं करा सकता, करा सकता, लेकिन क्या करूँगा, मैं कराऊंगा किसमें, इसमें, ठीक है। अब मैं एडिशन हटा देता हूँ, देखिए यहाँ कॉल करूँगा प्रोडक्ट ऑफ, आंसर की जगह पे देखो, यहाँ पे हमने नाम क्या दिया है, प्रोडक्ट, टी आर ओ डब्ल्यू सी टी, प्रोडक्ट ए कॉमा बी, लेकिन अभी भी ये आंसर नहीं देगा, ये एरर देगा, सुनो सुनो रुको रुको, ये एरर देगा, मैंने क्या बोला, एरर देगा। एक तो एक्स और वाई कर दूँ पहले नाम, लेकिन ये अभी भी एरर आएगा, ये एक्स और वाई लिखा ना यहाँ पे यार, अभी वही बता रहा हूँ कि यहाँ एरर देगा, मैंने बोला था सही, कंप्लीट तो करने दो मुझे। देखो ये एरर क्यों दिया, क्योंकि अभी यहाँ हमें वॉइड लिखा है, वॉइड का मतलब होता है नो रिटर्न। अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या होगा, ए मल्टीप्लाई बी, ये दोनों इंटीजर है तो इंटीजर इंटू इंटीजर आंसर इंटीजर आएगा ना, तो आंसर हमारा इंटीजर वेरिएबल है। मैं यहाँ कर रहा हूँ जो आंसर आए उस आंसर को आप रिटर्न करो, रिटर्न करो आंसर को, और ये रिटर्न होता है तो ये वॉइड नहीं होता है, तो इसका डेटा टाइप है इंटीजर, तो ये इंटीजर करो, ओके। वॉइड की जगह क्या हो गया, इंटीजर, क्योंकि ये फंक्शन जो लास्ट में देखेगा ना, जब भी इंटीजर होगा ना लास्ट में रिटर्न होता है, जैसे एंड में हम क्या लिखते हैं, रिटर्न जीरो लिखते हैं कि नहीं लिखते, लास्ट में लिखते हैं ना रिटर्न जीरो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, इंट है ये रिटर्न किया इसने जीरो, अब ये इंट है ये रिटर्न क्या कर रहा है, आंसर, तो आंसर क्या है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन, समझ रहे हो, अरे समझ में, वॉइड है तो रिटर्न नहीं करते हैं, वॉइड में कोई रिटर्न नहीं होता है, राइट, क्योंकि रिटर्न टाइप है, इसलिए रिटर्न टाइप वही होना चाहिए जो आंसर इंटीजर है, इंटीजर। अब ये यहाँ रिसीव होगा, यहाँ पे आंसर देखो, यहाँ पे क्या आया, ए और बी, अच्छा ऊपर मैंने वॉइड लिखा है ना, यहाँ भी इंट करना पड़ेगा ना। अब देखो कोई एरर नहीं, रन करो, 3, 4, 12, अब देखो यहाँ पे क्या आया, प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई, इसकी जगह पे यहाँ लिख सकता हूँ मैं z इज इक्वल टू प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई, तो ये आंसर किस में स्टोर होगा, z में, और ये z इधर लिखा, अगर आप इसकी जगह सीधा यहाँ लिखोगे ये प्रोडक्ट एक्स कॉमा वाई तो भी चलेगा, जैसे मैंने पहले आपको दिखाया, लेकिन अगर आप उसमें आप कंफ्यूज हो रहे हो, जैसे आप बोलो सर ऐसा क्यों किया क्यों किया, तो आप ऐसा कर लो जैसे आपने कैसे किया था पहले, राइट, ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 या कोई भी था ना, किया था ना, तो आप क्या कर रहे थे, इसमें स्टोर करवा रहे थे आंसर, तो अभी वही चीज यहाँ करवा रहे हो, नहीं वैसा ही तरीका है ना, भाई वो स्क्वायर के लिए था, अब वो स्क्वायर, अभी स्क्वायर रूट थोड़ी निकाल रहे हैं, हम प्रोडक्ट कर रहे हैं यार, वो दूसरा काम था, ये खुद का फंक्शन बना रहे हैं मेरे भाई, राइट, ये खुद का फंक्शन है ना प्रोडक्ट, तो ये प्रोडक्ट किया एक्स और वाई का मल्टीप्लाई करके जेड में डाला और जेड में स्टोर करवा दिया। तो देखो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया, क्या आपने इनपुट कहाँ से लिया, मेन से लिया ना, प्रोसेस आपने इधर किया,
आउटपुट आप दोनों जगह करा सकते हो, मैंने दिखा है उधर भी किया। इसमें फिर कोई भी फंक्शन लेके तो हमको वो डालना पड़ेगा, इसका टाइप बताना है, प्रोटोटाइप बताना ही पड़ेगा। देखो ऐसे ही बिल्कुल, देखो आपको बताना ही पड़ेगा ऐसे। अभी सिंपल इंटरेस्ट होता है राइट, तो उसमें कुछ फ्लोट भी होता है। जैसे मैं बोलूं रिटर्न करो फ्लोट सिंपल इंटरेस्ट, उसमें क्या होगा, फ्लोट पी प्रिंसिपल, फ्लोट आर इंटीजर एन, ये प्रोटोटाइप। यहाँ पे एन नहीं लिखो, खाली डिक्लेयर करो तो भी चलेगा, और वहां डिक्लेयर करना, समझे ना। इस तरह से आपको प्रोटोटाइप हुआ, बाकी डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एंड क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। इस तरह से करोगे, समझ में आया। तो मैंने तीन टाइप के फंक्शन बता दिए, अब चौथा सोच, खुद सोच लो क्या होगा, जिसमें क्या है, आर्ग्यूमेंट है लेकिन रिटर्न, सॉरी विथ आर्ग्यूमेंट है लेकिन रिटर्न वैल्यू नहीं है। वो कैसे होगा, वो इस तरह से होगा, विदाउट, सॉरी विदाउट आर्ग्यूमेंट्स है अभी, वैसे होगा विदाउट आर्ग्यूमेंट्स बट विथ रिटर्न वैल्यू। इसमें क्या होगा, इनपुट आपका किसमें होगा, फिर इनपुट आपका फंक्शन में होगा, प्रोसेस यही होगा, आउटपुट यहाँ पे होगा दोनों में, और ये ऐसे। ये खुद आप एक बार ट्राई करना, मैं एक्सप्लेन बातें कल करूँगा। ये चौथा जो आपका आखिरी फंक्शन टाइप है, ओके हाँ भेज देते हैं, वादा नहीं, लेकिन ठीक है ना, वीडियो पूरा आएगा। और कुछ समझ गया ना, तो आपको बाकी खुद के जो प्रोग्राम्स मैं भेजूंगा वो प्रोग्राम्स करने हैं।